ओम भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युगल गीत श्लोक नंबर 8 नौ। अनुचरे समनो वर्णित वीर आदि पुरुष वाचल भूति वनचरो गिरितटे सुचरन्ति वेणुना वयति गासयदाहि वनलता तरवात्मनिविष्णुं व्यञ्जतेव पुष्पफलाढ्यं प्रणतभारविजपामधुदारा प्रेमरिष्टतनवससृजोस्मा। अनुचरे समनो वर्णितवीर्या आदि पुरुष इवाचल विभूति वनचरो गिरितटे सुचरन्ति वेणुनाह्वयति गासयदाहि वनलतास्तरव आत्मनिविष्णुं व्यजन्त्यैव पुष्पफलाढ्या प्रणतभारविटपामधुधारा प्रेमरिष्टतनवससृजोस्मा। अनुचरे समनुवर्णितवीर आदिपुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरितटे सुचरन्ति वेणुनाह्वयति गासयदाहि वनलतास्तरव आत्मनिविष्णुं व्यजन्त्यैव पुष्पफलाढ्या प्रणतभारविटपामधुधारा प्रेमरिष्टतनवससृजोस्मा। यहाँ पर गोपियां गोकुल में कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण गाय चराने को लेकर निकल गए हैं और गोपियां उनके विरह में है। कृष्ण चले जाते हैं तो उनका चिंता करते रहती हैं गोपियां। तो कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं दिन भर, कृष्ण की दिन भर की लीलाओं का वर्णन यहाँ पर है। मतलब ये जो युगल गीत है इसकी विशेषता है कि कृष्ण का सुबह से शाम तक का जो लीला वन में करते हैं उन सब लीलाओं को एकदम संक्षिप्त में खूब ब्रीफली लिखा है, और वो भी किसके मुखारविंद से, गोपियों के मुखारविंद से। अब दिन भर की लीला कोई भी वर्णन कर सकता है, लेकिन जब गोपियां वर्णन करेगी तो उसका फिर भाव ही, मतलब गोपी भाव से वो उसका लीलाओं को दर्शन कर रही है। गोपियां अपने जैसे वो, तो जैसे आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही जगत दिखेगा। तो अभी भौतिक आदमी कोई चीज को देखेगा तो भौतिक दृष्टि से उसका वर्णन करेगा कोई भी चीज को। तब गोपियों की दृष्टि से अगर हम कृष्ण की लीला को देखेंगे तो वो फिर बहुत अलग प्रकार से वो लीला दिखेगा। वही वही लीला और कोई भी वर्णन कर सकता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, गोपियों के मुखारविंद से उस लीला को हमें सुना रहे हैं, ताकि जो टॉप मोस्ट डिवोटी है उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो पॉइंट ऑफ एंगल है, व्यू है, उस नजर से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। उनका वर्णन में कहीं भौतिकता नहीं आएगी, केवल कृष्ण का प्रेम के सिवा दूसरा कोई चीज वो देख, उनको और कुछ दिखेगा नहीं।
खाली सर्वत्र उनको प्रेम दिख रहा है, कृष्ण के प्रति प्रेम है सबका, वो दिख रहा है उनको, वही दिख रहा है गोपियों को चारों तरफ कि कौन कृष्ण को कितना प्रेम कर रहा है। तो पहले उन्होंने वर्णन किया देवियों का, आकाश में जो देवियां थी उन्होंने कृष्ण की बंसी का श्रवण किया तो प्रेम से मूर्छित हो गई, पहला वर्णन आया। फिर वर्णन किया देवियां की बात छोड़ो, वो तो बहुत विदग्ध पंडित है, वो तो जानती है कृष्ण भगवान है, कृष्ण बहुत महान है और उनको तो सब ज्ञान है शास्त्रों का, लेकिन यहाँ पशुओं को देखो जो एकदम निर्बुद्धि होते हैं, जो जिनको कहा जाता है कि हाँ तामसी की योनि कहा जाता है, वैसे तो गोलोक वृंदावन की बात अलग है, फिर भी पशु योनि में जो है उनकी भी हालत देखी, वो लोग भी बंसी सुन के कृष्ण प्रेम में इतने मुग्ध हो गए कि उनका जो मुंह है खाते खाते बंद हो गया, घास जैसे के तैसे रह गया, और उनको देख के लग रहा है कि पेंटिंग है, बड़ा बहुत बड़ा एक पेंटिंग किया हुआ है जिसपे कृष्ण बंसी बजा रहे और सब चित्र है, सब गायें खड़ी है चित्र, तो चित्र जैसे बन गए, मतलब इसमें स्तंभ और कौन सा भाव चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, अनुभव प्रकट किया, स्तंभ एक हो गया और जाड्य स्तंभ, दो तीन भाव को उन्होंने वर्णन किया वहां पर, पशु प्रकाश किए और देवियां ने भी अलग अलग भाव प्रकाश किया, एक मूर्छना मूर्छित होना और अपस्मृति, ऐसे कुछ कुछ भावों को देवियों ने प्रकट किया। और फिर और एक गोपी बोलती है कि पशुओं की बात छोड़िए, वो तो फिर भी जीवित है, चेतना वाले जीव है, लेकिन ये नदी है जो जड़ है, जिसको जड़ कहा जाता है भौतिक दृष्टि से, वो जड़ है नदी, वो नदियों की हालत कैसी है, वो जब कृष्ण के बंसी श्रवण करती है नदियां, तो उनका पानी किस तरह से नदी को वो कृष्ण के चरण की रज उनको प्राप्त होती है, तो कृष्ण को आलिंगन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए कृष्ण प्रेम से वो इतना कंपित हो रहे कि उनकी लहरें, नदियों की लहरें बहुत तीव्रता से कांपने लगी, जैसे कि नदियां को कंपन हुआ, तो कंपन रूपी यहाँ पर अनुभव प्रकट हुआ। तो कृष्ण प्रेम में जो कितने प्रकार के अनुभव है, याद नहीं हमको 28 प्रकार के कुछ ऐसे अनुभव है, वो अनुभव सब प्रकट हो रहे एक के बाद एक भक्तों में, तो नदियां का कंपन उन्होंने प्रकट किया और अश्रु प्रकट किया नदियों को, जैसा कि आंसू आ रहा है। तो ये था नदी का। अभी और एक गोपी कहती है कि नदी की बात तो छोड़ो, वो तो चल है, चल मतलब चलने वाली, मतलब जो जो स्थावर और जंगम होता है, स्थावर मतलब जो नहीं चल सकता, जंगम मतलब चलने वाला, तो नदी तो जंगम है, नदी तो चलने वाली है, इसको चलने का शक्ति है, लेकिन अभी ये इनको देखिए, जो पेड़ है, वृक्ष है, लताएं हैं, ये तो अचल जीव है, ये तो अचल है, स्थिर है, और इनके अंदर भी कितना प्रभाव पड़ रहा है कृष्ण के बंसी का, ऐसा बोल के गोपी ये जुगल गीत गा रही है, श्लोक नंबर 8-9 कि नदियों की बात छोड़िए, वो तो जंगम है, लेकिन स्थावर की दशा देखिए। तभी श्री कृष्ण की आगे की लीला वर्णन हो रही है। तो आगे क्या हुआ, सनातन गोस्वामी कहते हैं पहले कृष्ण घर से निकले, गायों को चरा लेते लेते नदी के तट पे गए, नदी के तट पे उन्होंने गायों को पानी पिलाया, क्योंकि सब लोग परिश्रम से थक गए थे, सबको पसीना पसीना हो गया था, इसलिए उससे बचने के लिए सबको नदी तट पे लाया गया, उनको पानी पिलाया गया।
पानी पिलाने के बाद कृष्णा उन गायों को नदी के किनारे से अभी दूर ले जाते, वहां पर धूप था, नदी के तट पे धूप है, इसलिए घना जंगल में गायों को ले जाते हैं जहां पर छाया होगी, क्योंकि अभी दिन चढ़ रहा है, चौथा घंटा है, फोर्थ आवर है, 12 घंटे का पूरा लीला है, इसमें चौथा घंटा चालू हो गया है, इसलिए दिन चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, धूप आ रहा है, इसलिए कृष्ण इन गायों को लेके घने जंगल में प्रवेश करते हैं। घने जंगल में प्रवेश करने से क्या हुआ, जो गाय है वो हर्षपूर्वक आनंद से, इतना घास था उधर जंगल में, तो घास चरते चरते गाय वो दूर चली गई, आगे बढ़ गई, और इतनी दूर चली गई कि वो गायों को दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसे सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, गायों को दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए उन गायों को कृष्ण बंसी के द्वारा पुकारने लगे। तो ये था भूमिका, इस तरह से शुरू हुआ, लिखा है अनुचरे समानु वर्णे तबीर, अनुचरे सम अनुवर्णित वीर, श्लोक आरंभ होता है इस तरह, अनुचरे मतलब श्री कृष्ण के साथ जो अनुचर है, अनुचर मतलब उनके सखा है, कृष्ण के सखा है, सखाओं को अनुचर का है, चर मतलब विचरण करना, विहार करना, अनु मतलब साथ साथ में, फॉलो करना, अनु मतलब फॉलो करना, श्री कृष्ण के साथ में जो उनके साथ जो सखा है, जो उनको अनुसरण कर रहे हैं, अनुसरण करने वाले अनुचर, वो सब क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के वीर, वीर मतलब उनके पराक्रम, पराक्रम का गान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो ये देखिए गाय चराने के समय क्या क्या होता है, गाय चराते समय कृष्ण जब वन में जाते हैं तो सखा लोग प्राय समय गाते रहते हैं, वो गाते हैं जोर जोर से, क्या गाते हैं, कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं, कृष्ण ने क्या क्या लीला की है, सो गाते, और सब लोग कोई बजाता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, आनंद करते रहते हैं, कृष्ण भी नाचते हैं, ये फोटो में नाचते हुए देख रहे थे, कृष्ण भी नाचते हैं और गाते हैं, ऐसे आनंद करते करते खेलते रहते हैं बच्चे लोग, इस तरह से समानुवर्णित वीर है, सब ग्वाले लोग कृष्ण की महिमा का गीत गा रहे हैं। ये दूसरी लीला, आदि पुरुष इव अचल भूति, कृष्ण को कहते हैं, किसने कैसे हैं, कृष्ण है आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब नारायण, श्री कृष्ण नारायण के जैसे हैं, कैसे नारायण के जैसे हैं, अचल भूति, अचल भूति, भूति मतलब लक्ष्मी देवी, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य व लक्ष्मी देवी, जैसे नारायण को कभी लक्ष्मी देवी नहीं छोड़ती है, अचल रहती है, लक्ष्मी देवी चंचल है, संसार में लक्ष्मी देवी चंचल है, लेकिन नारायण के पास लक्ष्मी देवी अचल है, अचल भूति, लक्ष्मी देवी अचल रहती है नारायण के पास, इसी प्रकार श्री कृष्ण के पास जो उनका जो ऐश्वर्य है, उनका सौंदर्य, उनका यश कीर्ति, उनका बल, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, जो 6 ऐश्वर्य षडेश्वर्य, ये जो षडेश्वर है वो श्री कृष्ण में अचल रूप से रहता है, हमेशा रहता है, इस तरह से वो ग्वाले लोग अचल भूति श्री कृष्ण के
पराक्रमों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे नारायण के जैसे तुम्हारे पराक्रम है, तुम्हारे सब कार्यकलाप तुम्हारे ऐश्वर्य हमेशा तुम्हारे में बना रहता है, तुम नारायण जैसे पराक्रमशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तुमको छोड़ के नहीं जाती है। इस तरह से सब लोग कृष्ण के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी एक बात और लिखते हैं, तो ऐसे गुणगान तो कर रहे हैं कृष्ण के सखा लोग, तो दूर में स्थित वृक्ष और लता है वो उनको थोड़ा मन में ईर्ष्या होती है, ये सखा लोग कृष्ण का बहुत प्रेम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग को भाग्य नहीं हो रहा है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का, सखा लोग ही पूरा आनंद उठा रहे हैं, ऐसे वृक्षों के मन में आया है सनातन गोस्वामी का भाव है। तब फिर कृष्ण का तो वना चरो और आगे बढ़ते हैं, गायों को लेके कृष्ण और आगे बढ़ते हैं, वनचरो वन में चरने वाले, वन में विचरण करने वाले, वन में विहार करने वाले कृष्ण, कृष्ण को वनचर कहा है। गिरी तटेशु चरंती, गिरी तटेशु चरंती कौन, गाय, तो गाय चर रही है घास, कहाँ चर रही है, गिरी तटेशु, गिरी मतलब पहाड़, तो पहाड़ की जो ढलान होती है ना, जैसे पहाड़ थोड़ा नीचा होता है, पहाड़ की जो नीचे ढलान बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग गुजराती में, खीण बोलते हैं, खाई बोलते हैं, तो खाई है और खीण है जो पहाड़ के नीचे से उसको गिरी तट कहते हैं, गिरी तट है पहाड़ के थोड़ा नीचे, तलहटी पहाड़ की तलहटी में थोड़ा ऊंचाई पे वहां गाय चर रही है, गिरी तट में गाय चर रही, पर्वत की तलहटी में गाय चर रही है, गिरी तटेशु चरंती। तो श्री कृष्ण ने देखा कि गाय बहुत दूर चली जा रही है और पर्वत के तलहटी में चले गए हैं, और आगे गायों को नहीं जाना है, इसलिए कृष्ण गायों को वेणुना आह्वयति, गिरी तटेषु चरन्ति वेणुना, वेणु बजा रहे हैं सब श्लोकों में, लेकिन वेणु का नाम आया है, मतलब कृष्ण की जो तीन प्रकार की अलग अलग बंसी है, एक का नाम मुरली है, एक का नाम वेणु है, बंसी है। तो यहाँ पर जो लीला का वर्णन हो रहा है सुबह से शाम तक वेणु का हो रहा है, इसने वेणु बजाया दिन भर, इसका मतलब जंगल में गाय चराने के समय कृष्ण वेणु का प्रयोग करते हैं, और मुरली का दूसरे किसी समय प्रयोग करते हैं, बंसी का और किसी समय प्रयोग करते हैं, जब गोपी गीत में शायद बंसी का नाम आया रास लीला में। तो वेणु के द्वारा कृष्ण ने गायों को आह्वयति मतलब पुकारा, तो पिछले लीला में वेणु का बात नहीं लिखा था, उसमें लिखा था कृष्ण नाम से पुकारा गायों को, नाम से भी पुकार रहे थे और वेणु दोनों थे, इसमें वेणु शब्द स्पष्ट लिखा है, वेणु के द्वारा गायों को कृष्ण पुकारते हैं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जब गायों को पुकारते हैं कृष्ण, तो गायों का नाम क्या है, तो गायों का नाम है मालती, किसी गाय का नाम मालती है, ठीक है, फिर किसी का नाम है मल्लिका, किसी गाय का नाम है वासन, किसी का नाम है युथिका। तो जब कृष्ण मालती मल्लिका वासंती युथिका ऐसे बजाते हैं, तो वो जो वृक्ष हैं, वृक्षों में लता, मालती लता, मल्लिका लता, वासंती लता, युथिका लता लगी हुई है, वो वृक्ष तब प्रेम से भर जाते हैं। तो जो पहले कहा गया कि उन वृक्षों को लताओं को मन में ईर्ष्या आई, तो कृष्ण ने जब देखा तो कृष्ण ने उनको खुशी करने के लिए
कृष्ण ने उनका नाम पुकारना शुरू किया गाय के बहाने से। ऐसा लग रहा है कि गायों को पुकार रहे हैं, गायों को भी पुकार रहे हैं और उन लताओं का और वृक्षों का भी नाम कृष्ण लेने लगे। किसी के मोबाइल से आवाज आ रहा है खड़खड़ खड़खड़, तो म्यूट करिए, कौन है? ये देवजानी सिन्हा जबरदस्ती अपना मोबाइल को आउट कर दिया, तो रिमूव करना पड़ेगा। ओके, मेनू ना आवती गा, गा मतलब गाय को पुकारती। यदा तब जब गाय को पुकारते हैं कृष्ण उन नामों से, वृक्षों के और लताओं के नाम, वो भी नाम गाय को दिए हुए ऐसे नाम, तब क्या हुआ, जो वन लता है, वन की जो लताएं हैं, लता मतलब वृक्षों के साथ जो जुड़ी हुई होती है उनको लता कहते हैं, गुजराती में बेल कहते हैं। तो लता जो वृक्षों के ऊपर जुड़ी हुई है लता, और तरवा, तरवा मतलब वृक्ष, लता और तरु, तरुलता, तरुलता भी कहते हैं, वृंदावन है तरुलता, तरु मतलब वृक्ष, लता मतलब, ये दोनों प्रेम से भर जाते हैं। श्री कृष्ण की बंसी को श्रवण करते कृष्ण गायों को भी एक ही साथ पुकारे, एक ही साथ इन वृक्षों लताओं को भी पुकार रहे हैं। वृक्ष और लता ने जब कृष्ण के मुखारविंद से अपना नाम सुना, श्री कृष्ण हमें भी याद कर रहे हैं बंसी के द्वारा, तो उन वृक्षों को और लताओं को कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया और वो प्रेम को प्रकाश किए। कैसे प्रकाश किए? पुष्प फल आड्या, सब वृक्ष पुष्पों से भर गए और फलों से लद गए, मतलब फल लदे हुए और पुष्प लदे हुए, तो पुष्प और फलों से सब वृक्ष भर गए। मतलब प्रणत भार विटपा, इसमें कहते हैं वृक्ष वन लता स्तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयंती, आत्मनि विष्णु व्यंजयंती। तो वृक्ष और लताएं थी, उनके हृदय में विष्णु का ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, श्री कृष्ण का ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं परमात्मा में। अभी बाहर आ गए कृष्ण, तो बाहर आ गए कृष्ण, तो वो अभी उनका जो विष्णु के प्रति जो हृदय में प्रेम है उसको अभी बाहर प्रकट करने के लिए वो फूल और फल से अपने आप को उन्होंने भर दिया। तो ये जो लाइन है बड़ा ये है, मतलब इसका अर्थ बहुत गहन है कि हृदय में परमात्मा को बाहर प्रकाश किया। कैसे प्रकाश किया? फूल और पुष्पों के द्वारा, ऐसा लिखा है। विष्णु को फूल और पुष्प के द्वारा बाहर प्रकाश किया, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसका अर्थ फिर निकालना पड़ेगा। विष्णु को उन्होंने प्रकाश किया, जो हृदय में विष्णु थे उसको बाहर प्रकाश किया। कैसे प्रकाश किया? फूल और पुष्पों के द्वारा। ये तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण क्या करेंगे इस तरह से विष्णु को प्रकाश करके, तो इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हो सकता है कि भगवान जो हृदय में प्रकट है उनके, उनका ध्यान कर रहे थे हृदय में, उन्हीं भगवान को बाहर कृष्ण को जब देखा, उनको पुकार रहे, तो फूल और पुष्प के द्वारा अपना प्रेम को बाहर प्रकाश किया, एक अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि विष्णु को फूल और पुष्प के द्वारा उनका पूजा कर रहे। पूजा में फूल और पुष्प लगते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के द्वारा कोई मुझे पत्र पुष्प अर्पण करता है तो मैं ग्रहण करता हूँ। या वन लता को चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गृहस्थ बताते हैं, जैसे गृहस्थ होता है
स्त्री और पुरुष होते हैं, अगर घर में कोई अतिथि आता है तो उनका वो पूजा करते हैं। इसी प्रकार वन लता मतलब स्त्री और तरु मतलब पति, पति पत्नी, पति पत्नी है वृक्ष और लता, और उनके घर जो विष्णु अतिथि है, कृष्ण जो आए हैं, तो उनको वो लोग पुष्प और फल के द्वारा उनकी पूजा कर रहे हैं। मतलब उनके शरीर में लताओं के ऊपर बहुत सारे फूल लग गए, वृक्षों के ऊपर फल लगे, तो वृक्ष और लता फल फूल के द्वारा उन श्री कृष्ण और उनके सब सखाओं को और गायों को सबको स्वागत कर रहे, उनकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अतिथि को विष्णु भी कहा जाता है, आत्मने विष्णु व्यंजयंती, तो ये एक अर्थ है। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, सर्वव्यापक विष्णु जो हृदय में, कृष्ण जो हृदय में है, वो भक्ति पूर्वक बाहर प्रकट कर रहे हैं, ये अर्थ है। एक आ रहा है, फिर कहते प्रणत भार विटपा, प्रणत भार विपट, प्रेम के भार से, प्रेम से वो भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणत मतलब प्रणाम करना, कैसे प्रणाम करते हैं, भार विटपा, पूरा वृक्ष झुक जा रहे हैं श्री कृष्ण के चरणों में, ऐसे झुक जा रहे हैं वृक्ष, झुकते झुकते कृष्ण जैसे जा रहे हैं और सब वृक्ष झुक जा रहे हैं, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणत भार विटपा, विटपा का अर्थ है वृक्ष लता और सब कुछ मिला के कंप्लीट। मतलब बोलते कि गृहस्थ में जैसे स्त्री होती है, पत्नी पति और बच्चे, पूरा परिवार मिलके श्री कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, विटपा शब्द आया है। प्रणत भार विटपा मधुधारा, अब अपना प्रेम को वो वृक्ष प्रकाश कर रहे हैं, कैसे, उन वृक्षों से मधु की धारा, मधु की धारा बहने लगी। मधुधारा वव्रिशु, वव्रिशु शब्द आया है कुछ कई जगह, ससरी जो है वव्रिशु, वव्रिशु मतलब वर्षा करने लगे, मधु की धारा की वर्षा करने लगे वृक्ष लोग, वृक्ष मधुधारा वर्षा कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर। वो मधुधारा क्या है, उनके प्रेमाश्रु है, वृक्षों अपना प्रेम का प्रकाश कर रहे हैं। जैसे आंसू की धारा होती है, ऐसे आंसू तो पानी होता है खाली, यहाँ पानी नहीं है, मधु तो उनके आंसू के रूप में मधु की धारा बह रही है कृष्ण के ऊपर, वृक्षों की और लताओं की। और प्रेम हृष्ट तनवा, और कृष्ण प्रेम से उनका शरीर रिष्ट, रिष्ट मतलब रोमांचित हो गया, मतलब उनके शरीर के रोमांच का मतलब होता है रोम खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। प्रेम से वृक्षों के रोमांच हुआ, कैसे हुआ, उसका चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रेम हृष्टा रोम हर्ष युक्ता तनवो, उनका शरीर रोम हर्ष युक्त मतलब पत्ते वत्ते सब पूरा, वृक्षों के जो पत्ते थे, पत्ते और फूल सब खिल गए, पत्ते भी मतलब कांप रहे हैं, कंपन है हवा से, प्रेम से उनके पत्ते कांप रहे हैं, उनके आंसू में आंसू धारा बह रही है, और फूल और पुष्प उनके उधर प्रकट हो गए हैं। तो इस तरह से ये जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये लोग सब अपना प्रेम को प्रकाश कर रहे हैं कृष्ण की बंसी को श्रवण करके।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस श्लोक का संक्षिप्त यही हुआ कि कृष्ण गाय बहुत अभी नदी को छोड़ के आगे चले गए हैं चरने के लिए, घास पहाड़ के तलेटियों में गायें चर रही हैं, कहीं घने जंगल में चर रही हैं, कृष्ण उनको बंसी से पुकार रहे हैं और सखा लोग कृष्ण को आनंद दे रहे हैं, गाना गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कृष्ण की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। ये लीला चल रही है, उस लीला के साथ साथ जो वृक्ष है और लता है वो भी अपना प्रेम प्रकाश के लिए वो लोग पूरा फूल फलों से लद जा रहे हैं, मधु की धाराएं बरसन कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर, सखाओं के ऊपर, गायों के ऊपर, और फूल भी बरसा रहे होंगे जरूर, मधु धारा बरसा रहे तो फूल भी बरसा रहे होंगे, और पत्ते भी पेड़ के कंपन हो रहे हैं, मतलब वृक्ष और लता भी प्रेम से कृष्ण की सेवा कर रही है, बंसी श्रवण कर रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अगर किसी को कृष्ण का दिन भर का लीला चिंता करना हो, मेडिटेशन करना चाहता है, कोई स्मरण करना चाहता है कृष्ण दिन भर क्या क्या कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये चैप्टर है, एक के बाद एक बहुत सारी लीलाएं, उनको हम दिन भर स्मरण कर सकते हैं घंटा घंटा के हिसाब से। हरे कृष्ण।